गांव में केतन अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे प्रणीत के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की समोसे की दुकान के सामने उसके बचपन के दोस्त मुन्ना की कुल्हड़ चाय की दुकान थी। केतन मुन्ना से हमेशा मिलने जाया करता था। क्या हाल है मुन्ना, आज तुमने अपने कुल्हड़ चाय की दुकान देरी से खोली, इसी वजह से मुझे रेखा की हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। माफ करना केतन भाई साहब, पर मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से मैंने आज दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखा कर दवा ले लो और आज आराम करो, शरीर ही जीवन है। जी मैंने दवा ले ली, और आपकी दुकान पर आज ग्राहक ही नजर नहीं आ रही। कैसे आएगी, आज प्रणीत अपने दोस्त की शादी में गया है, दुकान पर समोसे वही बनाता है, जब प्रणीत आ जाएगा तब दुकान पर समोसे बनाकर वही बेचेगा। इतने में वहाँ पर प्रणीत आ जाता है। मुन्ना काका एक चाय दे दीजिए, जल्दी दीजिए क्योंकि दुकान पर मिठाई बनाने जाना है। एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो बेटा मैं लेकर आता हूँ। प्रणीत के जाने के बाद मुन्ना उनसे कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर दुकान चलाता है, खूब मेहनत करता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो चाय दो मैं लेकर जाऊँ, तुमसे शाम को मिलूंगा तब गप्पे लगाएंगे। प्रणीत अपने समोसे की दुकान पर दिन रात मेहनत किया करता था, दिन रात समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम किया करता था। लेकिन इस बात से प्रणीत का दोस्त मंगलू बहुत जलता था। प्रणीत के समोसे की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी और मंगलू की मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा मंगलू कहाँ हो, ये देखो प्रणीत ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी मैं अभी आया, इसकी क्या जरूरत थी, मैं उसे जाकर मिल लेता हूँ। मंगलू सीधा प्रणीत के दुकान पर जाता है। लगता है ग्राहकी बड़ी अच्छी चल रही है, फ्री में समोसे बांट रहे हो। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मैंने समोसे आज ज्यादा बनाए थे तो सोचा तुम्हें दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझ के करते हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है इसीलिए। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो और अपना काम करो। मंगलू प्रणीत की दुकान में उससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बगीचे में बैठ जाता है। ये प्रणीत का बच्चा अपने बारे में सोचता क्या है, माना कि समोसे अच्छे बनाता है लेकिन मेरी मिठाई भी किसी से कम थोड़ी ना है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मंगलू मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ ही दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोलू भाई तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? हाँ अभी पिछले हफ्ते ही आया हूँ, अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई, बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी समस्या बताता है, तब गोलू उससे कहता है, अबे इतनी सी बात, जाकर उसके समोसे में जमाल गोटा यानी पेट खराब करने की दवाई मिला देता हूँ, और क्या पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरह भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो सुझाव दे दिया, बाकी सब अब तुम पर है। गोलू की बात सच है, मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। मंगलू अपने घर में पूरी रात वही सोचता है और गोलू को कुछ रुपए देकर प्रणीत के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज के दारू का इंतजाम तो हो गया, उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को मस्त टिका कर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसी जिंदगी, मजा आएगा। गोलू प्रणीत के समोसे की दुकान पर जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं
लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला हुआ समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे खूब बिके। भगवान करे ऐसा ही व्यापार हमारा चलता रहे। दोनों बात कर ही रहे थे कि कुछ लोग अपना पेट दबाकर उनके यहाँ पर आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का पूरा पानी खत्म हो गया, खेत के घास से काम चलाना पड़ रहा है अब। तुम्हारे समोसे बहुत बेकार है, मेरा पूरा परिवार बाथरूम के चक्कर लगा लगा कर थक गया है। क्या मिलाया था तुमने अपने समोसों में? मैं तो पहले से ही पतला हूँ, पूरा दिन जुलाब के चलते और पतला हो गया हूँ। दवाई वाले समोसे खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था, और यही सब वजह से प्रनीत के समोसे की दुकान चलनी बंद हो गई। आज के बाद तुम्हारे दुकान कोई नहीं आएगा, सब मिठाई खाएंगे, समोसा कोई नहीं खाएगा। प्रनीत की दुकान न चलने की वजह से मंगलू की मिठाई की दुकान खूब चलने लगी। इस बात से प्रनीत परेशान होकर मुन्ना की चाय की दुकान पर गया। क्या बताऊं मुन्ना काका, इतना अच्छा सब चल रहा था, आज देखो परेशान हो गया हूँ। बेटा उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। मुन्ना काका के मुंह से सादा जीवन उच्च विचार सुनकर प्रनीत वहाँ पर अपने पिताजी को बुलाता है। पिताजी यहाँ आइए, मेरे पास हमारी दुकान बचाने के लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों ना हम अब खिचड़ी का व्यापार करें? इससे लोगों का जो पेट खराब है वो भी ठीक हो जाएगा, उन्हें हल्का खाना खाने को मिलेगा, और हमारा व्यापार जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने क्या तरकीब निकाली है, हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे मुन्ना भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जरूर हमारे साथ हमारी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर आ सकते हैं। केतन मुन्ना और प्रनीत उसी दिन अपनी कुल्हड़ की खिचड़ी की दुकान खोलते हैं, और केतन खिचड़ी बनाकर प्रनीत को देता है। प्रनीत उन्हें कुल्हड़ में डालकर लोगों को बेचने लगता है। आओ आओ कुल्हड़ खिचड़ी खाओ, जिसका भी पेट खराब हुआ है यहाँ आओ और ये खा कर जाओ, पहले दिन मुफ्त इलाज। हाँ बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया, अगर आज कोई ठीक हो गया तो कल से हमारी ग्राहकी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी, उनकी ग्राहकी बहुत अच्छी हुई। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने की वजह से उनका पेट साफ हो जाएगा, वो प्रनीत की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर जाने लगे। मुझे मेरे पूरे परिवार के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना, और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते प्रनीत मुन्ना और केतन की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बहुत चलने लगी। दोनों बाप बेटे और मुन्ना कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान अच्छे से चलाने लगे। तुम्हारा ढेर सारा शुक्रिया, जो तुमने मुझे भी कुल्हड़ खिचड़ी का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हमारे ऊपर संकट था तब आप हमारे साथ खड़े थे। ये सब देखकर गोलू और मंगलू अपना सिर पीटने लगे। गोलू को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया, और मंगलू अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान फिर से चलाने लगा, जो कि बिल्कुल नहीं।